चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में कमल खिलने वाला है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीपी जोशी के ऊपर जिस दिन उंगली उठ जाएगी उस दिन वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है लेकिन उसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग हैं। जय श्री राम बोलने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस पार्टी का नेतृत्व ही कमज़ोर हो उस पार्टी पर कैसे कोई विश्वास करेगा। आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा करती है। न्यूज़ डे राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। 25 के 25 कमल खिलेंगे, फिर से हैट्रिक लगेगी। 25 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। मोदी साथ है राजस्थान, राजस्थान की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। मैं पूरे राजस्थान की जनता जनार्दन का, सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का, जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है वो वास्तव में अतुलनीय है, उन सब का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और ये जनभावना शुरू से लग रही थी क्योंकि असेंबली इलेक्शन में भी मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया था और लोकसभा चुनाव में भी। सुदूर गांव में बैठे व्यक्ति, बुजुर्ग हो, गरीब हो, किसान हो, बुजुर्ग माता बहन हो, युवा हो, हर व्यक्ति के मुँह पर एक ही बात थी कि अब की बार 400 पार है। और ये विश्वास को एक दिन में खड़ा नहीं होता। और ये विश्वास मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैं एकमात्र नेता के प्रति देखा है, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति। प्रथम और द्वितीय चरण दोनों में आपको लगता है कि मतदान जो है कम हुआ है? नहीं, मैं प्रथम चरण में कुछ मतदान कम हुआ है लेकिन उसके पीछे कारण है कांग्रेस के प्रति उदासीन था, निरस था। और द्वितीय चरण में और लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है। अब ये देखिए कि किसी सेना का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग जाए वायनाड, तो वो की वो स्थिति राजस्थान में उसके नेताओं की हुई है। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के टिकट दिए, देने के बाद भी कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ दिए, तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? कमजोर नेतृत्व के ऊपर जनता कभी विश्वास नहीं करती, गलत नीतियों के और गलत नीति के ऊपर कभी विश्वास नहीं करती। भाजपा को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व पर, साफ नीयत पर, और वही हम सब लोगों को देखने को मिला है। दो चरण हो गए, अन्य चरणों में अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, जो मैंने कहा था, दक्षिण में भी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगस्त से लेकर मगध तक एक ही आवाज गुजरी है, अब की बार 400 पार। और साउथ में भी, दक्षिण में भी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी। और ये विश्वास देश की जनता का मोदी जी के प्रति इसलिए है कि उन्होंने 10 वर्षों में जो कहा उससे कई अधिक करके दिखाया है। इस देश की मजबूती का काम हो, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, इस देश के गरीब कल्याण हो, किसान की समृद्धि हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो, अनेक काम जो कहा वो करके दिखाया। और दुनिया में बढ़ती हुई भारत की ताकत, जो देश, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उसको हमने पीछे छोड़कर पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन गया। और 2027 तक मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत होगा। हम कई मामलों में पहले दूसरे देशों पर निर्भर थे। अब देखिए कि पैंडेमिक में 20 साल, 22 साल, 18 साल के बाद हम लोग दवा बना पाते थे, वैक्सीन बना पाते थे, लेकिन आज विकसित राष्ट्रों के साथ साथ हमने वैक्सीन बनाई और अनेक देशों को मदद भी करी है। हम डिफेंस में आज हम जहाज बना रहे हैं, 100 से ज्यादा इक्विपमेंट बना रहे हैं, दुनिया हमसे लाइन लेकर खड़ी है। हम मोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप के देशों में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। हम सोलर एनर्जी और योगा में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट में दुनिया का सिरमौर बनने जा रहे हैं।
तो ये सामान्य बात नहीं है कि 10 साल के कालखंड में इतना काम होना, तो यही जनता का अटूट विश्वास है। इसीलिए है इस चुनाव में कोई जातिगत नाराजगी भी देखने को मिली, क्या मानते हैं? कुछ लोगों ने प्रयास किए, कुछ लोगों ने हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जब लग जाता है, जनता का जब आशीर्वाद होता है, तो तमाम हथकंडे फेल हो जाते हैं। आप देखिए कि मैं लगातार कहीं कि मैं पहले दिन से नॉमिनेशन के दिन कहा था, कई आरोप लगाए थे, और मैं आज भी कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, सीपी जोशी के ऊपर जिस दिन उंगली उठ जाएगी राजनीति छोड़ देगा। लेकिन मैंने कहा था वो तो करिए, आज भी चुनाव हो गए, अब तो आ जाइए, आप पाक साफ हैं। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा मतदान, बहुत अच्छी पोलिंग हुई है, और वहां की जनता भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उनकी नीतियों पर विश्वास है। पहली बार भारत बांग्लादेश सीमा का सीमांकन हुआ है, बाउंड्री बनी है, पहली बार वहां के लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, और उसी के प्रति मतदान, विकास के साथ मतदान किया है, राष्ट्रवाद के साथ मतदान किया है, और प्रचंड मतदान हुआ है। पहले से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहां आने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अपने भाषण में कहा था कि बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोले, क्या इससे जो विशेष समुदाय है उन पे असर नहीं पड़ा? हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, हम कोई अकबर महान के कहने वाले लोग हैं क्या? क्या हम बाबर महान कहेंगे हिंदुस्तान में, जिसने हमारे मंदिरों को, संस्कृति को, सभ्यताओं को, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया? और हम रामराज्य की कल्पना कर रहे हैं, और वही मोदी जी के शासन में हुआ है, तो जय श्री राम बोलने में क्या हर्ज हो सकता है? हम रामराज की कल्पना को लेकर काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति की खुशहाली हो, समृद्धि हो। और कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले काम किए, धर्म समुदाय पंथ के आधार पर काम किए। अब देखिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जो भारत माता के टुकड़े करा दे, जो कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला माइनॉरिटी का है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन लेकर आया? ये कौन थे जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के हुक्मरानों के पांव पकड़ के आए कि हमें मोदी को हटाने के लिए सहयोग करिए? इसका मतलब आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं, तो देश की जनता को आपके ऊपर विश्वास कैसे होगा? और हमने तो मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों के लिए नीति बनाई है, 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की नीति की है। थैंक यू। सर, आपका एक महीने से प्रचार प्रसार चल रहा है, आज की दिनचर्या कैसी रही? मैं सुबह 7 बजे से घर पे सब लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, आज सब कार्यकर्ताओं से कार्यालय पे मिलना हो रहा है, आज कुछ जगह शादी ब्याह और सुख दुख के कामों में भागीदारी बैठने उठने जाऊंगा, और कल मैं उड़ीसा के लिए निकल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे वहां जिम्मेदारी दी है, तो कल मैं उड़ीसा निकलूंगा। राजस्थान के बाद अब अन्य जगहों पर आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? और निश्चित रूप से आज मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी के लिए जो दायित्व पार्टी देगी उसको मैं निभाऊंगा। चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा मतदान कम हुआ है, लेकिन आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100% प्रचंड बहुमत से, लाखों वोटों से चित्तौड़ की जनता जीत रही है। आपके कार्यकर्ताओं की झूठे लोगों के झूठी बातें पर लोगों ने पानी फेर दिया है, और यहाँ के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन जिस प्रकार से कमल के फूल के लिए प्रति विचार के लिए लगे हैं, निश्चित रूप से मैं उन सब का वंदन करता हूँ। हम तो ये कहेंगे कि